श्लोक संख्या 3। श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अब एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। जहां अर्जुन ने पहले पूछा था कि प्रभु ये बतलाइए ब्रह्म क्या है, तो भगवान कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ही तो ब्रह्म कहलाता है। अब ये इसका अर्थ क्या है, तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा के महत्व को समझाया है, आत्मा की स्थिति को समझाया है, आत्मा की प्रकृति को समझाया है। आत्मा ही है जीव, और ये जो जीव है ये दिव्य है। क्यों? क्योंकि ये भगवान से संबंधित है, भगवान का चिदकण है, अणुकण है, और भगवान चूंकि परम चेतन है इसीलिए हम कण के रूप में भी चैतन्य है, यानी कि हमारे अंदर भी पूरी तरह से चेतना है। तो ये दिव्य है और अविनाशी है, जैसे कि हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण अविनाशी हैं, उनका विनाश नहीं होता कभी भी। ऐसे ही हम भगवान के चिद कण के रूप में, उनकी तटस्था शक्ति के रूप में अविनाशी हैं, यानी हम भी नहीं मरते। तो फिर ये जो हम रोज लोगों को मरते देखते हैं अपने आसपास, अपने घरों में, अपने आहार बाहर, इतने मर गए, आज इतने मारे गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये कौन मरता है? तो गीता में तो भगवान ने बताया ही है कि शरीर मर जाते हैं और आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी नहीं मर सकती। शरीर मर जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। वस्तुतः जब आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाती है, उसी प्रक्रिया का नाम मौत है, मृत्यु है। दूसरे शरीर में जब वो जाएगी तो पहले शरीर को त्यागना होगा, वही मौत है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो दिव्य है और अविनाशी है वो जीव, वो ही तो ब्रह्म है। और फिर अब भगवान बता रहे हैं कि उसका स्वभाव क्या है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उसके स्वभाव पर हम बड़ी टीका टिप्पणी करते हैं, अरे फला फला आदमी बड़ा गुस्सैल है, अरे भाई वो तो बड़ा प्यारा है, अरे वो तो बड़ा भोला है, ऐसे से हम प्रत्येक के स्वभाव के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, है ना। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। हमें लगता है कि घर में चार प्राणी हुए तो दो बच्चे तो बड़े शांत हैं, दो बड़े गुस्सैल हैं, कुछ बड़े चंचल हैं, इस तरह से हम उनके स्वभाव के बारे में बोलते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, ये उसका अनित्य स्वभाव नहीं है, ये तो उसका अनित्य स्वभाव है, है? जिन प्रकृति के तीन गुणों का संग उस आत्मा ने किया एक शरीर में आकर के, और जिससे उसके संस्कार गढ़े गए, उस संस्कार के अनुसार ही स्वभाव बना, और वो जो स्वभाव है वो मिथ्या स्वभाव है। वो मिथ्या स्वभाव हमें जो दिख रहा है कि ये गुस्सैल है, ये भोला है, ये चलाक है, ये संस्कारों के परिणाम स्वरूप उसे प्राप्त हुआ, और ये अनित्य है, यानी कि इसमें नित्यता नहीं है। शरीर समाप्त हो जाएगा तो ये स्वभाव भी तो समाप्त हो जाएगा, शरीर समाप्त होने के साथ साथ, तो नित्य क्या है? तो भगवान कह रहे हैं उसका जो नित्य स्वभाव है वो आत्म कहलाता है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम अगर अविनाशी हैं तो इसलिए अविनाशी हैं क्योंकि हम परम अविनाशी भगवान के चिदगण हैं, है ना। और जब तक हम उनकी सेवा में नहीं जाएंगे, जो कि हमारा स्वभाव है, असली स्वभाव है। क्या स्वभाव है हमारा असली, हमारा आत्म स्वभाव क्या है? कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। माया के कवल में पड़ करके उस दास्य को हम भूल गए हैं, उनकी दासता भूल गए हैं, और हमने अनेकानेक संस्कार युक्त स्वभाव ओढ़ लिए हैं और अपने मूल स्वभाव से पूरी तरह से हट गए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो स्वभाव हमारे वजूद, हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है, जो आज बेशक सुप्त अवस्था में है, किंतु जब भी भगवान की कृपा होगी और महत संग प्राप्त होगा तो वो स्वभाव समस्त संस्कारों को पीछे धकेल करके ऊपर खड़ा होगा और हमें भगवान की सुंदर सुंदर दास्य भाव में भगवान से जोड़ देगा, किसी विशेष संबंध में भगवान से जोड़ देगा। और यही हमारा नित्य और आत्म स्वभाव है, यही जीव का नित्य और आत्म स्वभाव है। और भगवान कह रहे हैं कि देखो तुमने पूछा था ना कि सकाम कर्म क्या है,
तो जो कुछ भी हम भौतिक शरीर के लिए करते हैं, भौतिक शरीर का पालन हो गया है, उसके लिए कमाई करते हैं, उसके लिए चाहत करते हैं कि हम यहाँ जाएं और अच्छी अच्छी चीजें देखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छे अच्छे गाने सुने, खूब अच्छे से डांस करें, ये करें वो करें, भौतिक शरीर से संबंधित या भौतिक शरीर से जो जुड़े हैं, है ना, जो भौतिक शरीर से संबंधित लोग हैं, बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, पति हो गया, माँ हो गए, बाप हो गए, और आसपास में जो भी हैं, जो भी भौतिक शरीर को ही देख रहे हैं और उससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम जो गतिविधि कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ भी कार्य है, तो वही है सकाम कर्म या कर्म, है ना, क्योंकि भौतिक शरीर से संबंधित है, यह है सकाम कर्म। इसमें कामना है, ये इच्छा है, एक इच्छा है, हम उसमें जो भी कर्म कर रहे हैं, यहाँ तक कि भक्ति भी यदि हम भौतिक शरीर के पालन के लिए कर रहे हैं तो भक्ति भी सकाम भक्ति हो जाती है, ये बात है। तो भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक में बताया कि ब्रह्म क्या है, उसका असल स्वभाव क्या है और सकाम कर्म क्या है।